हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं ये वाला मिट्टी के बर्तन में दही जमने देने वाली हूँ। पहले इसमें ही मैं दूध को गर्म करूँगी। काफ़ी गर्मी है दोस्तों, और मम्मी पापा आए हुए हैं, यानी हमारे सास ससुर। तो अभी रात में आए हैं वो लोग, तो उन लोगों के लिए भुजिया रोटी और ये सेवई बनाई हूँ, क्योंकि अभी हमारे वहाँ कुछ फेस्टिवल है, तो इसी वजह से खीर नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे नाग देवता को चढ़ता है, इसीलिए खीर पूरी जल इसीलिए से वही बनाया है। और इसमें हम लोग अभी दही के लिए दूध ले आए हैं। देखिए, 1.5 लीटर दूध है, यानी 3 पैकेट है। इसको अभी इसमें दही के लिए देते हैं। अब खाना बन के रेडी है, अब सिर्फ दूध को गर्म करना है। क्या बोलता है उसको, छोला भटूरे पसंद है? अब मुझे भी सभी को पसंद है। हाँ, दादाजी, और मुझे कुछ कुछ चीजों पसंद है खाने में। दोस्तों, जैसे इसमें मैं दूध डाली तो उसमें सोंधा सोंधा खुशबू आने लगा। तो मैं सोचती थी कि चाय जहाँ बिकता है, वो चाय जो टपरी होता है, वहाँ से इतना खुशबू क्यों आता है? वो लोग मिट्टी के बर्तन में शायद बनाते हैं, इसलिए इसी तरह से खुशबू आ रहा है। देखिए, 1.5 पैकेट देंगे जमने के लिए। दही खीर के लिए ये पैकेट का ही दूध सही रहता है दोस्तों, डेयरी से लाते हैं वो उतना सही नहीं लगता है, रीजन जो भी हो। मम्मा, उसको मत भेजा। तो दोस्तों देखिए, मैं सारा दूध को डाल दी हूँ, हो गया, बेटा इसको छोड़ दो। बना देंगे कल या परसों, क्या बोलता है उसको, छोला भटूरे, दादा जी को पसंद है। अब मुझे भी सभी को पसंद है। हाँ, दादाजी, और मुझे कुछ कुछ चीजों पसंद है खाने में। दोस्तों, जैसे इसमें मैं दूध डाली तो उसमें सोंधा सोंधा खुशबू आने लगा। तो मैं सोचती थी कि चाय जहाँ बिकता है, वो चाय जो टपरी होता है, वहाँ से इतना खुशबू क्यों आता है? वो लोग मिट्टी के बर्तन में शायद बनाते हैं, इसीलिए इसी तरह से खुशबू आ रहा है। देखिए, 1.5 पैकेट देंगे जमने के लिए। दही खीर के लिए ये पैकेट का ही दूध सही रहता है दोस्तों, डेयरी से लाते हैं वो उतना सही नहीं लगता है, रीजन जो भी। तो दोस्तों देखिए, मैं सारा दूध को डाल दी हूँ, हो गया, बेटा इसको छोड़ दो। इधर दोस्तों मेरा हो गया यहाँ काबुली चना छोला, और इधर पूड़ी बेल के रखी हूँ, और भी बनाऊंगी। और इधर हो गया दही, बहुत ही अच्छा से जमा है, देखिए। इसके बाद उधर आम कट के रखी हूँ, और इधर दोस्तों आम भी कट कर दी हूँ। तो नाश्ता में आम, छोला और पूड़ी, मीठा ये सब देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेट लगा चुकी हूँ, मीठा, छोला और पूड़ी, और आम चले गया, तो मैं भी पहुँचा के आती हूँ। तो दोस्तों भी किचन में रहना एकदम चैलेंजिंग हो जाता है हम लोग के लिए, इतना गर्मी, इतना क्या बोले, एकदम। देखिए, पूरा लगा दिए प्लेट, और अभी और भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोहित का प्लेट खाली है, अभी और बनाऊंगी, तो इसको पहले दे के आती हूँ, इसके बाद फिर लगाती हूँ। मोहित भी हेल्प करेगा, वो दादाजी का आम लेके नहीं गया, खड़े हो तुम, हमको लगा पहुंचा दिया है। आम ले आ, बोल सकते हो।
तो मम्मी और मिर्ची बैठ रही है इधर। गुड मॉर्निंग बोलिए मम्मी। गुड मॉर्निंग। और पापा जी इधर बैठे हैं। गुड मॉर्निंग। पापा जी यहाँ बैठे, आम ले आओ। और एक दो जगह पे ही कर लेना। मैं यहाँ तलने लगी हूँ, सरसों का तेल यूज करती हूँ क्योंकि मोहित का हुआ नहीं है, और ट्रक से बना लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे टिप टिप वर्षा पानी, तो उसी तरह बोल सकते हैं टिप टिप वर्षा पसीना, देखिए। और ऊपर से बन रहा मटन, इतना गर्मी है। दोनों तरफ चढ़ा दो। तो दोनों अभी चावल चढ़ा देंगे एक साइड, पुलाव वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि पुलाव कोई अभी नाश्ता में पूरी और छोला हुआ है, पुलाव नहीं बनेगा, दूसरे दिन देखा जाएगा। अभी फिलहाल एकदम प्लेन राइस और मटन बन रहा है। तो आप देखिए हालत हो गया पस्त दोस्तों, एकदम हालत खराब। क्या आप लोग की उधर भी इसी तरह से गर्मी है? हमारे यहाँ तो जबरदस्त, बोलिए ही मत। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों इधर मसाला हो गया है एकदम रेडी अच्छी तरह से, अब इसमें मटन जाने के लिए हो गया है रेडी, देखिए मसाला। तो दोस्तों देखिए मांस तो मेरा भाजा हो गया, मीट को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर ली दोस्तों अच्छी तरह से। अब इसमें पानी ऐड होगा, तो आप सब भी फटाफट आ जाइए दोस्तों। और चावल भी हो रहा है, और आटा भी है, रोटी भी बनेगा जैसा कि आप लोगों को मालूम है। अभी दो जन हमारे यहाँ रोटी खाएंगे, मेरी बिटिया रानी। आइए दोस्तों आप सबों के लिए यमी यमी टेस्टी टेस्टी मटन कड़ी, तो फटाफट आ जाइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसमें पानी डालने का टाइम आ गया है, मैं डाल रही हूँ। तो दोस्तों फाइनली लंच हम लोगों का हो गया है रेडी। यहाँ पे मटन कड़ी, और यहाँ पे राइस, गर्मा गर्म राइस, और यहाँ पे हो गया दही। इसके बाद यहाँ पे बन गया गर्मा गर्म रोटी, देखिए गर्मा गर्म रोटी। तो फिर फटाफट लगाते हैं खाना। मटन इतना गर्मी, तो मोहित को लग रहा है गर्मी नहीं खाएगा शायद। मटन तो गर्मी लकटरा ला तो मटन के लिए, तो ऐसे करके इसमें ज्यादा ज्यादा निकलेगा, इसीलिए मैं मटन वाला कौन सा कटोरा है, कटोरा सब ला ना वहां से स्टील वाला से। तो एक प्लेट लग गया। आज से मटन स्टार्ट किया, आज के दिन मटन पूरी मीठा, कुछ फायदा नहीं हुआ इतना सुबह हुआ था। सब धोए हुए हाँ, सब अभी हम तो बाहर से लाए हैं, रात में होने का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे खाना लगा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तुम्हारी रोटी ही मेरी बिटिया रानी, जैसा कि आप सबों को मालूम है रोटी खाती है। और दोस्तों मैं अभी एकदम रोटी नहीं खाती हूँ, चावल ही खा रही हूँ, और इसकी वजह से मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ। तो धूप में जाना रहता है, आज तो मैं नहीं करता, तो कोई बात नहीं, मोटी तो मोटी। तो दोस्तों अभी लगा रही हूँ मटन कोशा, मटन कोशा एकदम मिर्ची को चाहिए हड्डी हड्डी, तो सबसे पहले मिर्ची को निकाल दिए, और ये गया। इसमें है देखो कलेजी, भैया कलेजी
तो दोस्तों फाइनली खाना लग चुका है। देखिए आप देख सकते हैं इधर लग गया रोटी, चावल भी लग गया, सिर्फ अब बचा है दही। तो एकदम फटाफट मेरी YouTube फैमिली आप सब आ जाइए एकदम मटन पे। और अभी मैं दही काटूंगी, तो दही काटने में बहुत मजा आएगा दिखाने में। तो अभी पूरा स्पेस भर गया है यहाँ पे, ये छाली यम्मी यम्मी मस्त लग रहा है। तो दोस्तों आप सब लोगों को किनको किनको दही पसंद है जरूर बताइएगा। तुमको भी चाहिए।